मेरा खात्मा ईमान के साथ करे। लेकिन एक मिनट के लिए समय लीजिए कि मैं आया हूं यूरोप से और मैं ईसाई और मैं रिसर्च पे निकला हूं, तहकीक पे निकला हूं, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे कोई असाइनमेंट मिली है, कोई थीसिस मिला है कि जाओ जाके मजाहिब आलम का मुताला करो और दुनिया के तमाम रिलीजन का मुताला करने के और वहां जायजा लो कि लोग अपने मजहब के साथ अकीदत क्यों करते हैं, मोहब्बत अपने नबियों के साथ क्यों करते हैं, अपनी मजहबी पेशवाओं के साथ, अपनी मजहबी शख्सियात के साथ अकीदत क्यों करते हैं, कटने मरने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं। तो मैं आया हूं और मैं आप सामने सवाल करता हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों करते हैं। खुदा की कसम इस वक्त उम्मत को जिस अंदाज में नबी की मजमूई हस्ती से दूर रखा गया है, हम तीन या चार पांच बातों से ज्यादा बातें बताने की सलाहियत नहीं है। मोहब्बत की वजह क्या है? नहीं रखते हो। क्या यह वजह बताएंगे कि दूसरे नमाज ऐसे पढ़ते थे? ये तो कोई, ये कम से कम काफिर दुनिया को मुसलमान करने के लिए क्या है, ये ना काफी है। हुजूर नबी करीम से खाना ऐसे खाते थे, क्या इससे आदलाना मुआशी निज़ाम कायम हो जाएगा और इंसानों की महरूमियां खत्म हो जाएगी? क्या जालिम को नकेल डाली जा सकती? इतनी बात क्या कि हुसैन खाना ऐसे खाते थे और सोते ऐसे थे, ये मुबारक अमल है। इसीलिए मुकम्मल नबी करीम सल्लम को पेश किए बगैर और मुकम्मल तौर पर नबी करीम सल्लम की इताअत किए बगैर मेरी और आपकी भूल है कि हम इस दुनिया के अंदर कोई सहूलत पैदा कर सकें। इसीलिए दो तो बात फरमाई, ईमान लाने का दावा करते हो तो इसके बाद लाजमी मंतकी नतीजा क्या होना चाहिए? इसके बाद लाजमी नतीजा क्या होना चाहिए? भी जिस ईमान जिस पे लाए हो तो ईमानियात में अल्लाह उसका रसूल ही तो है, तो उस पर क्या लाओ? तो इताअत करो उसकी। अजीब ईमान है जो इताअत पे वादा नहीं करता। ये कैसी वफा है? ये कैसी मोहब्बत का दावा है? ये कैसा डुल जाना है? ये क्या फरिश्तगी है और क्या अकीदत है कि जो आपको अकीदत पे क्या नहीं करती, हम वादा नहीं करती? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, व उलिल अम्र मिनकुम, और उस हाकिम वक्त की, उस सरबराहे इदारा की, उस सरबराहे खानदान की भी इताअत करो कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के अंदर तुम्हें क्या दे हुई हुक्म दे। मसूरते दीगर हाकिम वक्त के लिए दूसरी हदीस से मुतवज्जे होती है, अफजलुल जिहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जाए, भलाई के मामले में तामन करना, बुराई के मामले में तामन, लाकवातारी मखलूक खालिद, मखलूक की इताअत रब की नाफरमानी के अंदर नहीं की जाएगी। देखो लोगों, मैं तुम्हारा पहला खलीफा हूं, मेरे कमजोर कानों के ऊपर भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है। देखो मैं तुम में से इल्म के एतबार से कमजोर हूं, अमल के एतबार से कमजोर हूं। देखो मैं आपकी मुआमलत और तआवुन अल्लाह उसके रसूल की इताअत में चाहता हूं। जब जब मुझे तुम अपने रास्ते से, अल्लाह के रास्ते से हटा हुआ पाओ तो मुझे क्या कर देना? दुरुस्त कर देना। उमर फारूक खड़े हो जाते हैं, कहते हैं अबू बकर मैं नहीं, मेरी तलवार फिर आपको ठीक करेगी जब अल्लाह उसके रसूल से आप क्या करेंगे। इसीलिए वो उलिल अम्र मिनकुम को किसी शाह की वफादारी और किसी हाथ में वक्त की तरफदारी के अंदर गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हाथ में वक्त की इताअत जब है जब वो अल्लाह और उसके रसूल के क्या होंगे, वफादार होंगे। नहीं तो इस्लाम की दी हुई तमाम तालीमात की रोशनी के अंदर हाथ में वक्त का किबला दुरुस्त करने की पूरी क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। हाकिम और रियाया में, रियासत और अवाम में अगर इख्तलाफ पैदा हो जाए तो फरुद्दू इलल्लाहि वर रसूल, तो उस मामले को किसकी तरफ ले चलो, अल्लाह उसके रसूल की तरफ। आप किसी सूरत में
भी अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह की बंदगी और रसूल की इताअत के कलादे से अपने आप को आजाद नहीं कर सकते। बंदगी रब की और इताअत किसकी नहीं कर सकते। आगे अल्लाह ने फरमाया इन कुंतुम तुमीनून, लेकिन आगाज भी किससे किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से, और ईमान का हवाला देके मुझसे तकाज़ा इताअत किया गया, तकाज़ा बंदगी किया गया, और फिर तकाज़ा बंदगी के बाद दोबारा उसी हवाले को ताजा किया और कहा इन कुंतुम तुमीनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अब यह नहीं कहा इन कुंतुम तुमीनून बिल्लाहि वर रसूल, ये नहीं कहा,